Hello, I am Aniket from Tarkashastra Academy. In this video, we are going to discuss about a very important concept of derangement of permutation and combination. But before that, I want to tell you that it is important to study about the exam before you study for the exam. जैसे जीतू भैया कहते हैं कि एग्जाम के लिए पढ़ने से पहले एग्जाम के बारे में पढ़ो. So we are going to do that. Reason why we are doing it? क्योंकि बहुत सारे students गलत टॉपिक्स चूज कर रहे हैं एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर एनमैट एग्जाम. ठीक है, तो पूरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एनमैट एग्जाम इज अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट tarkashastra.co.in/nmat-exam-preparation. अगर आप ऐसा सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी, और एल्स आई विल पुट दिस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी जो एनमैट एग्जाम से रिलेटेड है, जैसे ऑल अबाउट द एग्जाम, एनमैट का एग्जाम पेपर पैटर्न, फिर एनमैट के हमारे कौन से कोर्सेस है, इंटेंसिव कोर्स, टर्बो कोर्स, एनमैट का मॉक्स, ऑल दिस विल डिस्कस अबाउट इट लेटर. बट पहले तो ये देखते हैं कि भाई क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने चाहिए. सो दिस इज फॉर क्वांटिटेटिव स्किल. ये जो हमने वेटेज निकाला है, ये पिछले साल के विंडोज 5 विंडोज में जो एग्जाम होती है उसके बेसिस पे निकाला हुआ है. ओके, तो अगर आप देखोगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्योमेट्री ही ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं. ठीक है, बट ज्योमेट्री तो उतना आता नहीं है. आपको मोर, यू शुड पुट इन मोर एफर्ट्स ऑन परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी. मैंने बच्चों को देखा है अलजेब्रा पढ़ते हुए, अरे भाई अलजेब्रा कहाँ आता है, बहुत कम आता है ना. तो वो फंक्शंस, इनइक्वालिटीज वाले चैप्टर छोड़ो, डेटा इंटरप्रिटेशन स्ट्रॉन्ग करो, डेटा सफिशियंसी स्ट्रॉन्ग करो. ठीक है ना. सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको ये पेज पे आके देखना है कि भाई ये टॉपिक सही में इंपॉर्टेंट है कि नहीं. सेम इज विथ लॉजिकल रीजनिंग. लॉजिकल रीजनिंग में क्रिटिकल रीजनिंग के ऊपर ज्यादा फोकस है. अगर आप देखोगे स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, ये जो वर्बल रीजनिंग के टॉपिक्स है इसके ऊपर ज्यादा फोकस आता है, एंड ट्रेडिशनल लॉजिक के ऊपर कम क्वेश्चन आते हैं. इसका ये मतलब है कि भाई जो आप ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सेंस एंड कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हो, इसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन तो आते हैं बट कम आते हैं. एंड आप उन चीजों के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो जहाँ पे आप आपको ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे, लाइक वर्बल रीजनिंग. सिलोजिज्म के देखो 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं. ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट के क्वेश्चंस है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट के क्वेश्चंस है. सेम विद वर्बल लैंग्वेज स्किल्स में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 8-8 क्वेश्चंस आ रहे हैं हमेशा. पैराजम्बल्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, एनालॉजीज के क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, फ्रेज एंड इडियम्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं. ठीक है ना. सो यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दोस टॉपिक्स जिसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, रैदर देन प्रिपेयरिंग फॉर टॉपिक्स जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है. अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई आपके इसमें फॉर एग्जाम्पल मिस स्पेल्ड वर्ड्स आएंगे ही नहीं. आ सकते, एक दो आ सकते हैं, बट चांसेस किसके ज्यादा है कि भाई पैराजम्बल्स के बहुत सारे क्वेश्चन आने की चांसेस ज्यादा है, तो उधर ज्यादा वेटेज डालो ना. सो टू स्टडी फॉर एनमेट एग्जाम प्रॉपरली, एनमेट स्पेसिफिक प्रिपरेशन अगर आपको करनी है तो यू कैन ज्वाइन अवर कोर्सेस. अभी यहाँ पे 3 कोर्सेज है. एनमैट के मॉक्स आपको मिल सकते हैं फॉर 999 रुपीज ओनली. यहाँ पे आपको 10 एनमैट के एडेप्टिव मॉक्स मिलेंगे जो आपका एक्चुअल एनमैट का पेपर पैटर्न रहता है उस हिसाब से रहेंगे. एंड ये मॉक्स जो डिजाइन किए हुए दे आर स्पेसिफिकली बेस्ड ऑन लास्ट ईयर एनमैट एग्जाम. ठीक है, देन यू कैन अवेल द टर्बो कोर्स और द इंटेंसिव कोर्स. टर्बो कोर्स एंड इंटेंसिव कोर्स में आपको जो डेटा है या फिर जो कंटेंट है वो सेम ही मिलेगा. टर्बो कोर्स एंड इंटेंसिव कोर्स में आपको रिकॉर्डेड वीडियोस, ई बुक्स, मोबाइल ऐप, एडेप्टिव मॉक्स, ये सब तो मिलेंगे ही. बट टर्बो कोर्स एंड इंटेंसिव कोर्स में डिफरेंस है वैलिडिटी का. टर्बो कोर्स इज वैलिड फॉर ओनली 1 month. इंटेंसिव कोर्स इज वैलिड टिल द लास्ट डेट ऑफ एग्जाम, दैट इज 19th of December दिस ईयर. ठीक है, टर्बो कोर्स इज अवेलेबल फॉर 1999 एंड इंटेंसिव कोर्स इज अवेलेबल फॉर 4999. ठीक है, तो आप ये टर्बो कोर्स एंड इंटेंसिव कोर्स ले सकते हो. अभी इसमें मिलेगा क्या आपको, तो आपको स्पेसिफिकली वही टॉपिक्स मिलेंगे जिनके ऊपर ज्यादा वेटेज आता है, वो ऐसे ही मॉक्स मिलेंगे जो एक्चुअल एग्जाम पेपर पैटर्न के हैं. टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे. इफ यू वॉन्ट ई बुक्स भी हम प्रोवाइड करते हैं. सो ऑल ऑफ दिस इज अवेलेबल इन टर्बो कोर्स एंड इंटेंसिव कोर्स. ये पेज पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि इसमें क्या क्या कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा. द पेमेंट डिटेल्स आर ऑल्सो मैंशनड ओवर हियर. आप UPI कर सकते हो, कार्ड पेमेंट कर सकते हो, ऑल द फैसिलिटीज आर अवेलेबल एंड यू कैन कॉल अस ऑन दीज नंबर्स फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. ओके, नाउ कमिंग टू अवर मेन टॉपिक ऑफ डिरेंजमेंट. डिरेंजमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर
एनमैट एग्जाम, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एंड बहुत सारे लोगों को ये आता नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट में। नाउ कमिंग टू द कंसेप्ट ऑफ डिरेंजमेंट। डिरेंजमेंट एज आई टोल्ड यू, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो डिरेंजमेंट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ इट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिरेंजमेंट समझ में नहीं आता है, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। इन हाउ मेनी वेज कैन यू फॉर्म अ डांसिंग कपल फ्रॉम थ्री बॉयज एंड थ्री गर्ल्स सो दैट नो बॉय डांसेस विथ हिज रिस्पेक्टिव गर्लफ्रेंड। अरे मतलब तीन बॉयज है, B1, B2, B3, है ना, एंड इनके तीन गर्लफ्रेंड्स है, G1, G2, G3। एक भी बॉय अपने गर्लफ्रेंड के साथ नहीं डांस करना चाहिए, मतलब G1 या G2 या G3 के पास जा सकता है, ये भी इधर या इधर जा सकता है, ये भी इधर या इधर जा सकता है, ठीक है, इधर या फिर इधर जा सकता है। ठीक है, सो दिस इज वॉट यू अंडरस्टैंड बाई डिरेंजमेंट, और ऐसे कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, दिस इज वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर। सिंपल सी चीज है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि यार तुम्हारे पास 10 लेटर्स है एंड 10 एनवलप्स है। ठीक है, एक भी लेटर सही एनवेलप में नहीं जाना चाहिए, ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, दैट इज योर डिरेंजमेंट। ठीक है, तुम्हारे पास 5 लॉक्स है एंड 5 कीज है, एक भी की प्रॉपर लॉक में नहीं जानी चाहिए, ऐसे कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे, दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय डिरेंजमेंट। ठीक है, डिरेंजमेंट के हम कंसेप्ट में नहीं जाने वाले, हम सीधा फॉर्मूला देखने वाले हैं। डिरेंजमेंट द फॉर्मूला इज एन फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 4 फैक्टोरियल माइनस 1 बाय 5 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 6 फैक्टोरियल। ये कहाँ तक जाएगा, अप टू 1 बाय n फैक्टोरियल तक जाएगा। ठीक है, वॉट इज n, जैसे इस केस में n इज इक्वल टू 5 बिकॉज देर आर 5 लॉक्स एंड 5 कीज। इन दिस केस n इज इक्वल टू 10 बिकॉज देर आर 10 लेटर्स एंड 10 एनवलप्स। ठीक है ना, सो n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिनका हमको डिरेंजमेंट करना है। ठीक है, अभी दिस इज n फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1 बाय 1 फैक्टोरियल, दिस इज 0 ओनली नो, तो एक्चुअल फॉर्मूला मेरा n फैक्टोरियल इंटू 1 बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 4 फैक्टोरियल माइनस 1 बाय 5 फैक्टोरियल अप टू 1 बाय n फैक्टोरियल ऐसा ही आएगा, अप टू 1 बाय n फैक्टोरियल ऐसा ही आएगा, करेक्ट है। तो आपको इतना डिरेंजमेंट का फॉर्मूला ध्यान में रखना है। नाउ हियर वी हैव 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स जिनको अरेंज, मतलब दे शुड नॉट मेक अ डांस कपल जो रिस्पेक्टिव गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बने। तो यहाँ पे मेरे को 3 लोगों का डिरेंजमेंट करना है, तो D3 दैट विल बी 3 फैक्टोरियल 1 बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल। ठीक है, सो 3 फैक्टोरियल इज 6, 2 फैक्टोरियल इज 1 बाय 2, 2 फैक्टोरियल इज 2, सो 1 बाय 2 फैक्टोरियल इज 1 बाय 2 एंड 1 बाय 3 फैक्टोरियल इज 1 बाय 6 अगेन। तो सिंपल है, दिस इज 6 इंटू दिस इज 1 बाय 2, तो बेस में अगर मैं 6 ले लूँ तो 2 3 जा 1 3 जा, सो 3 माइनस 1 दैट इज 6 × 2/6 दैट इज 2 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल, ऐसा ये लोग कह रहे हैं, 2 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल, दिस इज वॉट दे आर सेइंग। ठीक है, आगे देखते हैं। In how many ways can 5 letters be put into 5 envelopes so that no letter goes into its respective envelope? मतलब एक भी letter बराबर envelope में नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे को D5 करना है, which will be 5 factorial, 1 by 2 factorial, -1 by 3 factorial, +1 by 4 factorial, -1 by 5 factorial, है ना? क्या है? Alternately minus plus ऐसा है। So this is 5 factorial, 1 by 2 factorial is 1 by 2, minus 1 by 6, plus 1 by 24 and minus 1 by 120. Okay, so this is 5 factorial into base will be 120, 260 जा, तो 160 जा, 6 into
तो 1 into 24 तो -24, 24 into 5 तो 1 into 5 -120 एज इट इज, सो दिस 1 एज इट इज, ठीक है। सो दिस 5 फैक्टोरियल एंड 120 आर गॉन ना, बिकॉज 5 फैक्टोरियल इज 120। व्हाट इज योर आंसर? 60 - 24 इज 36 + 5 इज 36 + 5 इज 41, -1 इज 40। सो 40 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल वेर इन नो लेटर विल गो इन टू इट्स रिस्पेक्टिव एनवलप, ठीक है। दिस इज वॉट यू अंडरस्टैंड बाय डीरेंजमेंट। अभी इसमें और एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन पूछा, तो इन हाउ मेनी वेज सच दैट 8 कीज विद देयर रिस्पेक्टिव लॉक्स, तो 8 कीज है मेरे पास एंड 8 लॉक्स है, सच दैट एग्जैक्टली 3 कीज गो इन टू द लॉक, है ना, बराबर 3 कीज बराबर लॉक में गो इन टू द राइट लॉक। ये अपने को देखना है कि भाई 3 कीज बराबर जगह जानी चाहिए, 3 कीज प्रॉपरली जानी चाहिए एंड जो 5 कीज है ये गलत जानी चाहिए, ये देखना है। तो 8 में से कोई भी 3 लॉक्स चूज कर लो जिसमें सही सही कीज जाएगी, सो दैट इज 8C3, है ना। 8 में से कोई भी 3 लॉक्स हो सकते हैं जिसमें सही सही कीज जाएगी, ठीक है। सो 8C3 इज 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल अप टू 5 फैक्टोरियल सब कट गया। आई होप आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आता है, उसके बाद यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑफ डीरेंजमेंट। सो 5 फैक्टोरियल गया तो 6 × 7 × 8 अपॉन 1 × 2 × 3, 6 × 7 × 8 अपॉन 1 × 2 × 3, 2 × 3 = 6, 7 × 8 = 56, ठीक है। सो वी हैव सिलेक्टेड 3 लॉक्स इन विच द प्रॉपर की हैज गॉन एंड नाउ वी हैव टू डू डीरेंजमेंट ऑफ रिमेनिंग 5 लॉक्स। कैसे आएगा वो? इट विल बी D5 विच इज 5 फैक्टोरियल इंटू 1/2 फैक्टोरियल इज 1/2, -1/3 फैक्टोरियल इज -1/6, +1/24 बिकॉज इट इज 1/4 फैक्टोरियल, -1/120, है ना। तो ये कैलकुलेशन तो अभी किया हमने, 5 फैक्टोरियल इंटू दिस, ये कैलकुलेशन तो अभी किया, ये कितना आया था हमारा? 40 आया था। सो दिस इज 40। सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आर 56 × 40। एनी 3 लॉक्स विच आर प्रॉपर एंड एनी 5 लॉक्स विच आर नॉट प्रॉपर, ऐसा 56 × 43 कितना आएगा? 56 × 4 = 232, नहीं 2240, 2240 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल। ओके, सो दिस इज द इजी कंसेप्ट ऑफ डीरेंजमेंट। डीरेंजमेंट आया मतलब कोई भी चीज अपने सही जगह नहीं जानी चाहिए, दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय डीरेंजमेंट। एंड उसका ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है और अप्लाई करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।